हेलो स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग द चैप्टर थ्री दैट इज प्लांट किंगडम ऑफ क्लास इलेवेंथ एंड इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द टॉपिक जिम्नोसपम नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज एनजीओस्पम सो लेट अस स्टार्ट एंड स्टडी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओसपम तो एनजीओस्पम बेसिकली किस तरह से जिम्नोसपम से डिफरेंट है तो वहां पर नेकेड शीट थे यहाँ पर क्या होगा इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात Sheets are covered. <coughs> Sheets covered in uh, in or by seed coat. By sheet coat. And uh, they are present in <coughs> in or enclosed within fruit. Enclosed in fruit. तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई कि एक तो शीट जो कवर्ड होंगे किससे शीट कोट से होंगे और वो किस में इंक्लोज होंगे फ्रूट में बंद होंगे वो ठीक है चलिए अब इसके बाद तो ये तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिका इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा इसके बाद के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं अब इनके बारे में कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें क्या क्या है कि पहले कि तो ये बहुत ज़्यादा एडेप्टिव प्लांट है और ये आपको पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे ठीक है तो एडेप्टिव ठीक है और एडेप्टिव है किसी भी तरह के टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट हैबिटेट के लिए हैबिटेट हैबिट सॉरी एडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ठीक है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए ये एडेप्टिव uh, है और किसी भी तरह के अब जैसे कि जिमडोस या टेरेडोफाइट्स या बरोफाइट हमने इससे पहले पढ़े तो वहाँ उनको uh, जो जब uh, सॉरी रप, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए वॉटर की उनको नेसेसिटी है लेकिन यहाँ पर वाटर की नेसेसिटी नहीं उनको चाहिए तो बेसिकली एक तो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल है, हैबिटेट के लिए और दूसरा ये किसी भी बहु, एक बहुत ही एक वाइड एरिया में आपको मिल जाएंगे वाइड रेंज है इनकी ठीक है वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट तो मीन्स डेजर्ट में भी आपको मिल जाएंगे आर्कटिक में भी कुछ प्लांट मिल जाएंगे आपको सभी जगह पर मिल जाएंगे आपको ये अच्छा इफ अब एक ये फ्लावरिंग प्लांट है ठीक है मीन्स इनमें इन आपको फ्लावर मिलेंगे में शीट तो है लेकिन वहां पर फ्लावर नहीं है और कुछ तो बहुत छोटे हैं, समर माइक्रोस्कोपिक ठीक है जैसे कि वुल्फिया और कुछ बहुत ज्यादा टॉल हैं और इतने टॉल हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूकलिप्टिस और इसकी जो हाइट है अबाउट हंड्रेड मीटर इसकी हाइट ठीक है तो कुछ बहुत छोटे भी हैं और कुछ बहुत बड़े भी हैं लार्जेस्ट भी हैं ठीक है अब इसके बाद इनके जो मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं जैसे कि ग्रेन ठीक है और ओव्यूल तो दीज आर बोथ आर डेवलप इन फ्लावर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर में डेवलप हो और ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गन जो है अलग अलग, अलग फ्लावर पर डेवलप हो ठीक है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे चलिए अब इसके बाद जो इनका मेन जो प्लांट है मेन प्लांट वो क्या है वो स्पोरोफाइट प्लांट है वो स्पोरोफाइट फेज जो मेन प्लांट मेन स्टेज इनकी लाइफ में जो मेन प्लांट की जो मेन स्टेज होती है मेन फेज जो होता है वो स्पोरोफाइट स्टेज होती है और सिंपली प्लांट जो है डिफरेंशिएट होता है इसमें रूट स्टैम लीव्स में डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टैम एंड लीव्स ठीक है और ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस तरह का कि ये प्लांट जो है बेसिकली फूड के लिए यूज होते हैं ठीक है और जो फोडर है यानी कि एनिमल का जो फीड है उसके लिए उ, उ, उसके लिए भी यूज होते हैं और कुछ प्लांट फ्यूल भी प्रोवाइड कराते हैं आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड कराते हैं और इवन जो आपके कमर्शियल वर्क के लिए जो वुड है वो भी यूज होती है चाहे फर्नीचर वर्क हो या वो कमर्शियल बहुत सारे इसके हैं ठीक है तो बेसिकली ये आ, ये प्लांट आपकी पूरी लाइफ से आपके जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से अब ये जो एनजीओस्पम है बेसिकली इनको टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया एनजीओस्पम डिवाइड इन टू कैटेगरी फर्स्ट इज मोनोकोटोलिडन सेकेंड इज डाई कॉटलीडन ठीक है मोनो मोनोमीन्स सिंगल कॉटलीडन मीन सिंगल कॉटलीडन होगा सिंगल कॉटलीडन और यहां पर डायमींस टू मीन्स टू कॉटलीडन ओके तो शीड में सिंगल क्वार्टर या टू क्वार्टर या फिर डबल क्वार्टर के बेसिस पर इनको टू कैटेगरी में डिवाइड कर लिया चलिए अब इसके बाद इनमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है रिप्रोडक्शन ठीक है तो रेप्रोडक्ट रेप्रोडक्शन इसमें इनका जो सेक्सुअल रेप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है और <coughs> जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्शुअल प्रोडक्शन भी किस तरह से बेसिकली तो जो मेल uh, और फीमेल जो गैमिट है वो अलग अलग स्ट्रक्चर पर प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि जो बेसिकली जो मेलि मेल गैमिट है जो बेसिकली वो किसमें होंगे वो प्रोड्यूस होंगे uh, वो एज अ प्रोड्यूस होंगे पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन से ठीक है मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होंगे और वो आ, कहां पर प्रोड्यूस होंगे वो होंगे सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया कंबाइन ये एक ही आ, स्ट्रक्चर में कई माइक, सारी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं स्टेमन ठीक है या फिर इसको माइक्रोस्पोरो फिल्मिस को कह देते हैं ओके तो स्टेमन स्टेमन में प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर एनजिया और ये इनके नंबर्स एक से ज्यादा होते हैं ठीक है और और माइक्रोस्पोर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं जो जो कि फाइनली किसको प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जो ये स्टेमन इन स्टेमन पर भी एक और ये स्ट्रक्चर लगे होते जिन्हें कहते हैं एंथर ठीक है तो इन एंथर के अंदर ही ये माइक्रोस्फोर एनजी प्रेजेंट होती है जहां पर की जो मदर सेल्स हैं माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स हैं शॉर्टकट में उनको माइक्रोस्प एम एम आ, सी कह देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वो म्यूटिक सेल डिवीजन के थ्रू ग्रेन का प्रोड्यूस करती इसके आ, है इसके अपोजिट जो फीमेल जो ऑर्गन है फ्लावर में तो उसको हम कहते हैं क्या उसको हम पिस्टल या फिर कार्पलो कहते हैं पिस्टल और कार्पल ठीक है ये जो पिस्टल और कार्पल बेसिकली ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है ठीक है और इन फी जो ये पिस्टल और ये कापल्स हैं इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट इसका इसका जो लोवर स्ट्रक्चर उसको कहते हैं ओवरी और इस ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं क्या ओव्यूल्स ठीक है और उन ओव्यूल के अंदर ही मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है फाइनली जो ओव्यूल जो या फिर जो सेल्स जो होती हैं इन uh, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर और इसी में एग सेल्स प्रेजेंट होती है ठीक है अब मैं एक छोटे से स्ट्रक्चर फ्लावर का बनाता हूँ तो उसके सब इजीली समझ पाएंगे ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्या पिस्टल या फिर कापल और ये जो दो स्ट्रक्चर इधर साइड पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं स्टेमन। अब इनको अलग से देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर किस तरह नजर आता है तो ये अगर हम एक ओवरी का स्ट्रक्चर हम देखें तो उसको फाइनली वो इस तरह की नजर आती है कुछ ठीक है ऊपर से नैरो और नीचे से वाइड होती है इसका ये जो रिसेप्टिव जो पार्ट है इसको कहते हैं ये आ, जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल और ये जो लोअर जो वाइड स्ट्रक्चर दैट इज ओवरी ठीक है इस ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से ठीक है और इस ओव्यूल सपोज करो ये इस तरह का एक ओव्यूल है ठीक है इसको डिटेल में आप क्लास इलेवेंथ में पढ़ेंगे यहां पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है

इसमें थ्री सेल्स तो लोअर साइड में आपको मिलेंगे माइक्रोपाइलेंट की साइड में थ्री इसके अपोजिट साइड में मिलेंगे जिसको कहते हैं एन ये होंगी एंटीपोडल सेल सॉरी एंटीपोडल सेल और ये होंगे कौन से है? ये सिनग्रिड इसमें से टू ये वाली ये और ये वाली ये होंगी सेल्स और जो सेंटर की होगी बीच में भी टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे कॉल्ड ठीक है तो ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सेक्ट इसको हम कह रहे हैं जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है अब इसके बाद ये इसमें तो अच्छा एक बार और जो मेल ऑर्गन है उसका भी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये जो स्टेमन है स्टेमन किस तरह का आपको ये नज़र आ रहा है ठीक है इसमें तो ये जो अपर साइड में जो बायोलॉप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो इनको हम कहते हैं एंथर ठीक है और एंथर के अंदर ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो माइक्रोस्पो या फिर ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं ठीक <coughs> है ये इस पोर्शन को हम कहते हैं फिलामेंट ठीक है चलिए अब इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखना हो तो कुछ इस तरह का ये नजर आता है और ये इसमें मीन्स ये एक एक अंतर ये हो गया एक और एक अंतर ये हो गया बीच में एक जगह से जुड़े होते हैं आपस में ठीक है और ये बीच में इनके सेंटर में ये ये बीच में आ, जो माइक्रो कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो हमने ऊपर लिखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर है उसको प्रोड्यूस करती है यहाँ पर ठीक है इस तरह से और उसके सराउंडिंग कुछ दूसरी सेल्स हैं उनके अलग अलग लेयर्स हैं वो बेसिकली इन माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं तो ये आ, आ, स्टेमन का एक हो गया ठीक है ये माइक्रोस्पोरेंजिया सॉरी एंथर टीएस ऑफ एंथर हो गया तो ये कुछ हमारे सारे स्ट्रक्चर हो गए ठीक है मेल और फीमेल जो ऑर्गन हैं इनके उसके स्ट्रक्चर हो गए अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखना है कि फर्टिलाइजेशन किस इस, इसमें जो मेल और फीमेल जो गेमिट्स हैं उनका फ्यूजन किस तरह से होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है ठीक है तो इन बड़े डिटेल में पढ़ते हैं और ये प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फुजिन. अब इसके फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन या फिर एंड ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं ठीक है उसको एक बार समझते हैं चलिए अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही किसी भी फ्लावर में जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं मैच्योर हो जाते हैं ठीक है तो मैच्योर होने के बाद फिर वो विंड के वो सॉरी वो डिस्पर्स हो जाते हैं ठीक है आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ ग्रेन ठीक है वो क्या हो जाते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में हो जाते हैं एयर के थ्रू भी हो सकते हैं अगर कोई वाटर प्लांट है तो वो, वो फिर वो वाटर के थ्रू हो जाएंगे और मींस ये और ये जो ट्रांसफर और फिर डिस्पर्स होने के बाद ये फिर फीमेल जो ऑर्गन है वहाँ तक ट्रांसफर होंगे, ठीक है ट्रांसफर टू फीमेल ऑर्गन और ये जो ट्रांसफरिंग का जो मेथड है ठीक है इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा स्टिग्मा कौन सा है जो पिस्टल uh, का जो अपर पार्ट है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन ओके तो ये ध्यान रखना है चलिए तो पोलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन के कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा? कि जो uh, जो पोलन सपोज करो कि ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल ये ओवरी और सपोज करो कि यहाँ पर कोई पॉलिंग आ गया इसके बाद ये क्या करेगा यहाँ पर ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन स्पीडली होगी और स्पीडली रैपिडली होने के बाद इस ये रप्चर हो जाएगी रप्चर होने के बाद इससे जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा सो द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन केम आउट इन फॉर्म ऑफ ए पोलन ट्यूब एंड इट एंटर इन टू एम्ब्रियो क्या करें पोलन ट्यूब इट केम आउट इन फॉर्म ऑफ ए पोलन ट्यूब एंड दिस पोलन ट्यूब कैरी टू मेल न्यूक्लियस ठीक है एंड इन साइड द इन साइड दी इस तरह से ये पोलन ट्यूब एंटर करना स्टार्ट करती है कर, स्टाइल के थ्रू ये फिर ओवरी में जाएगी और ओवरी से फिर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ये माइक्रोपाइल एंड के थ्रू यहां से ऐसे होते हुए माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एम्ब्रिवसेक में एंटर करेगी ओव्यूल में एंटर करेगी और और फिर फाइनली ये एम्ब्रियोसेक जैसे ये सेंटर में एग्सेल इधर ये सिंग्रिड सेल्स सेंटर में टू पोलर न्यूक्लियाई ये एंटीपोडल सेल एंटीपोडल एंटीपोडलग्रिड पोलर न्यूक्लियाई एग्सेल तो क्या होगी जो पोलन ट्यूब है ना ये कुछ इस तरह से पोलन ट्यूब होगी और ये एक इसमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे मेल न्यूक्लियस या फिर इन्हीं को हम मेल गेमिटोफाइड भी इनको कह रहे हैं तो ये माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर करना स्टार्ट करेंगे इसमें सिन्ग्रिड सेल्स जो है वो हेल्प करेंगी ठीक है हेल्प करने के बाद जो क्या होगा कि जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस है एक मिनट फर्स्ट मेल न्यूक्लियस तो इट क्या करेगा इट विल फ्यूज विद एग सेल प्लस एग सेल और ये जो फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विद एग एग्सैल इज कॉल्ड सिंगेमी इसको क्या कह रहे हैं सिंगी कह रहे हैं इसके इसका रिजल्ट क्या होगा द रिजल्ट इज जागोट ओके और जायोड किस तरह का बनेगा आपका डिप्लॉइड, ठीक है ये इंपॉर्टेंट बात है कि आ, कि ये जो पोलग्रेन या फिर ये आ, जो मेल और फीमेल गैमिट गे, जो दोनों के दोनों होंगे वो सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जाइगोट डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होगा फिर जो सेकेंड मेल न्यूक्लियस है ठीक है वो किसके साथ फ्यूज होगा इट विल फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लिया ठीक है पोलर न्यूक्लिया के साथ होगा तो फिर मीन्स uh, अब यहां पर आपने क्या किया? देखा कि फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है एक तो यहां पर फिर एक बार यहां पर ठीक है दट वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया डबल फर्टिलाइजेशन को क्यों कह रहे हैं तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा सेकेंड मेल न्यूक्लियस विद फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई और ये बने इट विल चेंज इन टू एंडोस्पम और प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस या फिर शॉर्ट में इसको लिख देंगे पी ई एन तो ये क्या बनाएगा अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर वन तो मेल न्यूक्लियस है ठीक है और यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियस है मीन्स वन प्लस टू इज टू थ्री मीन्स यहाँ पर क्या हुआ फ्यूजन uh, कितनी सेल्स का हुआ यहाँ पर थ्री थ्री का हुआ तो और ये जो स्ट्रक्चर होगी ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी बिकॉज ये दोनों के दोनों ये तो ये भी है ये भी है ठीक है तो एक तो एक तो फिर क्या हुआ अगर? ट्रिपल फ्यूजन हुआ ये ठीक है ट्रिपल फ्यूजन हुआ क्योंकि ए वन प्लस टू थ्री सेल्स यहाँ पर फ्यूज हो रही है, fusion, ठीक है? और जो स्ट्रक्चर होगी जो पेन जो, जो होगा प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस वो कैसा होगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा ठीक है चलिए तो इस तरह से इसको हम इसलिए इसको डब, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इसलिए इसको कह रहे हैं अब ये जो ट्र, ट्रिपलोइड जो पीएनए ये फाइनली एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में ठीक है और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा जो एम्ब्रियो है फिर जायगोट जायगोट कान्वर्ट होकर का एम्ब्रियो में एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड इसको कराएगा ठीक है ओके okay, इस तरह से फिर ये सब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो ये सिंडग्रिड और ये एंटीपोडल सेल्स हैं ये फाइनली बाद में डिजेनरेट हो जाएंगी ओके चलिए तो इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कम्प्लीट हो रहा है चलिए अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ओवरी है वो फाइनली फ्रूट में डेवलप हो जाएगी ठीक है चलिए अब इसका एक बार लाइफ साइकिल एक बार देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है शॉर्टकट में एक ग्राफिक सॉरी एक ग्राफिकल व्यू में एक बार देख लेते हैं सॉरी स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं ठीक है सपोज करो ये कोई आ, प्लांट है ठीक है एक प्लांट है ठीक है तो उस पर जो मेल जो ऑर्गन है दैट इज एंथर क्योंकि आ, एंथर में ही तो फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोस्पोप प्रोड्यूस हो रहे हैं और एंथर किस में लगे हुए हैं एंथर वहाँ स्टेमिन पर लगे हुए हैं चलिए अभी और इधर क्या फीमेल ऑर्गन क्या पिस्टल और चलिए तो एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी स्पोरो जेनेसिस और उसके बाद क्या और ये फिर और इसमें होगा म्योसिक्स मियो, सॉरी म्यूसिस मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे ओके और जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होने के बाद फिर वो क्या होगा हो? पोलिनेशन होगा ठीक है और पोलिनेशन चलिए और इसी तरह सेम यहां पर जो पिस्टल है पिस्टल में जो ओव्यूल प्रोड्यूस होंगे ठीक है और ओव्यूल में जो प्रोड्यूस होंगे क्या एम्ब्रियोसेक और एम्ब्रियो सेक में आप देख चुके हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी से सेल होती है एम्ब्रियो सेक में फिर क्या है एग भी है वहाँ पर ठीक है चलिए तो पोलिनेशन के बाद ये उससे क्या राइज होगा मेल गैमिटोफाइट जो मेल जो दो न्यू, मेल न्यूक्लियस निकलते हैं उसको मेल गैमिटोफाइट में उसको कहते हैं मेल गैमिटोफाइट ठीक है तो इसका इनका क्या होगा एग के साथ फ्यूजन होगा ओके okay. क्या हो रहा है यहाँ पर फ्यूजन फ्यूजन के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट और जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो ठीक है एम्ब्रियो के बाद फिर शीड सॉरी शीड और स्पोर शीड के बाद जो शीड जेमिनेट होने के बाद जो प्लांट की स्टेज बनेगी दैट इज स्पोरोफाइट फाइनली तो फाइनली प्लांट बनेगा और प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट ओके क्योंकि बिकॉज यहाँ पर स्पोर्स इस, इस स्टेज में स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है तो ये पूरा का पूरा जिसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट इसलिए क्योंकि स्पोर इस वाली जो, जो जिस स्टेज में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वही Uh, जो स्टेज है वो डोमिनेंट होती है और उसी वो, मतलब वही फ्री लिविंग प्लांट है फोटोसिंथेटिक uh, भी है ठीक है चलिए तो और जो ये ओव्यूल है वो एन है ठीक है मींस सिंगल सेट ऑफ से है हैप्लॉइड है ये और ये जो स्पोरोफाइट है वो टू एन मीन्स डिप्लॉयड है ये चलिए ओके तो ये इस तरह से लाइफ साइकिल हो गया इसका